परिवार की तरफ से आप खूब खूब आभार अभिनंदन साबरे भोपा जी ने छोटा सा आमंत्रण ने मान रखे आप सब जना पधारिया खूब खूब आभार अभिनंदन जय माता जी। हेलो जी नमस्कार। जय रतन जी देवासी देवासी समाज समाज रा अग्रणीय नेता है तो अपने अपने पधारे हैं तो आप एक बार जोरदार तालियों साथे स्वागत करो और बुआ जी को विनती कि आप आओ और रतन जी का स्वागत करें।
पूर्व विधायक रतनजी देवासी रो पोपा जी ने करकमला द्वारा मारवाड़ी आन बान और सांद्रे पागड़ी के माध्यम से स्वागत हो जाए पर जोरदार तालियों स्वागत हो जाए और साथ में सरपंच महोदय श्री सुरेश सियाग आप रभी पूरा बड़ी विरल गांव की तरफ से पोपा जी पूरा परिवार की तरफ से खूब खूब स्वागत है आप रभी सपारे द्वारा स्वागत अभिनंदन और जिसा हुकम शेड़िया आप भी स्वागत अभिनंदन श्री जसाराम सब मेहमान एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए खूब खूब आभार आप सब मेहमान रो पूरा गोगल परिवार छोटा सा आमंत्रण ने मान रखी ना सब जना पधार खूब खूब आभार धन्यवाद हेलो अपनी वच्चे रतन जी पधार्या छे एवं केवुं घटे के साहेब तमे रबारी समाज नु घरेणु छो साहेब 24 कैरेट सोनू छो आपने जोईने अमारो आखो रबारी समाज पाछळ चाले छे तो साहेब आपना आवानी राह जोईने एटलो बधो साहेब केवाय अमारी गुजराती भाषा में केवाय के इंतजारी आ अमारी हद वटावी गई इंतजारी आ हमारी हद वटावी गई साहेब हमारा आवानी राह सरद वटावी गई खूब खूब धन्यवाद साहेब तमे अहीं पधार्या छो अहीं उपस्थित तमाम अहीं देवासी समाज उपस्थित छे तथा गामना समस्त समाजना लोको अहीं उपस्थित छे साहेब आपनी लोकप्रियताना कारणे अहींना जे भावी भक्तो આપની રાહ જોઈને આપના ઇંતજાર માટે બેઠેલા છે કે સાહેબ તમારું મૂલ્ય અમારા માટે કેટલું છે આપને ખબર ન હોય પણ અમને ખબર છે કે સાહેબ ખરેખર તમે રબારી સમાજ માટે સમસ્ત સમાજો માટે સમસ્ત યુવા પેઢી માટે અને સમસ્ત યુવાનો માટે તમે એક ઉદાહરણ રૂપ છો કેમ કેમ કે આપ જે રીતે જીવો છો એમ અમારો સમાજ અને અમે જીવવા માંગીએ છીએ આપે સાહેબ ભારત દેશની અંદર એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું કે ગરીબ સમાજનો દીકરો ગરીબ પરિવારનો દીકરો ક્યાંથી ક્યાં સુધી જઈ શકે છે એમ આપ આપે જે ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું એમ અમારો સમાજ અમારા લોકો અમારા જે ભાઈઓ બહેનો બધા જ આપના આ આદર્શથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયેલા છે માટે સાહેબ શ્રી આપને એક નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપને આપ અહીંયા પધાર્યા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર એક વિનંતી કરો કે સાહેબ આપની વાણીથી અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો અને અહીંયાના યજમાનો સૌને આપ આપના શબ્દોથી પ્રભાવિત કરશો જી માનનીય શ્રીમાન રતનજી દેવાસી मंच पर भोपाल जी उपस्थित सभी मुख्य आगेवान सभी समाज बांधो और समस्त धार्मिक प्रेमी माताओं बहनों और युवा साथियों आप सबने पूरा आयोजन आ रहा रात रही आप अच्छा बढ़िया कार्यक्रम तो मैं देखिए फोटो में भेजा वीडियो और जो मेहमान आया था उन्होंने सबकी बात भी हुई फोन माते बढ़िया आयोजन रात रोज हुआ स्टोरी हुआ
और रात ही मैं कहता था कि मैं आवे रात दिया हो तो मैं उन्होंने क्यों भी खासा मसा रात आया तो थोड़ा घना हवा लान बेपा डाल बाकी रही नहीं तो एकदम तो भीड़ बड़ो तो हाँ समापन देखिए तो कभी जयपुर हो तो सुबह रवाना हो गया हमने पहला आटे आ गया मतलब एक भी जगह ले हम लाट के राज भवन रस्ता ऐसा जुड़ो रहा टुकड़ा कि वन में हमारे टाइम ना बनो घंटों डेढ़ घंटों फिर भी पहले ही काफ़ी टाइम वो चुनाव रहे पहला सभा भवन को होते उद्घाटन कर रहे हाँ हाँ और उद्घाटन का वन टाइम सब मिला हुआ अटे आया था और अटे आवे बैठने का मौका मिली उसमें बातचीत हुई सब लोग सब ने मिलन समारोह जी हुए आज फिर अने कार्यक्रम रहे बारे सब लोग अटे रात रात लोग इकट्ठा हुआ सुबह हुआ माता जी सब लोग हाथ जोड़े प्रार्थना करो यो आप रेटारो प्रतिष्ठा बढ़ती रहे धर्म ने पटी अपने लोगों की आस्था कायम है और जो 21वीं सदी आई है हमें ज़्यादातर लोग देखो आप बात करो तो धार्मिक कार्यक्रम कई लोग कहें कि अलग अलग विचारधारा आ रही है मैं हमेशा कहूँ कि जो नवी पीढ़ी आ रही है और नवी पीढ़ी और जो हमें जो समय आ रहा है बने समय में अगर गांवों में ये सब कार्यक्रम धार्मिक बन मिल जाए तो आ वाले पीढ़ी तो माता जी का वो गोगा जी जीवन कौन मोमा जी जीवन या कोई कौन जो नहीं मिल रही था ही नहीं पड़े और वास्तविक जो गाँव मेरे प्रोग्राम में हिसाब नहीं है आप उठा देख लो अभी समय कनों बढ़े अमुक जगह शहरों में भी आप रास्ता हालो आदमी रास्ते हालता हालता ही बटा दी हाथ जोड़न करते रहे खाली पूजा पाठ का समय निकालना धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना माप की सीमित खर्चा में ये सब समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमें जो नई पीढ़ी आवे रही है अगर वास्तव में कोई काम करना चाहे तो बड़े बड़े बिल्कुल समय नहीं है सब खुद रहे भविष्य ने ले परिवार रहे भविष्य ने ले पढ़ाई बढ़ाई ले अतरा व्यस्त रहे तो बड़ा पूरा दिलो दिमाग बनने रहे और आज भी गाँव रहे अंदर जो ग्रामीण संस्कृति है ग्रामीण धार्मिक परंपरा है बने संस्कृति और धार्मिक परंपरा के हिसाब से यह समस्त आयोजन हुए और अने आयोजनों थी आ वाली जो पीढ़ी है छोटा बच्चों भी हुए तो वो ही कहे तो बने भरोसे बने जो है माता जी और गोगा जी उनको जो आशीर्वाद हुई तो धगे धगे मुझे उनको मालतू जाई अने और निरंतर एड़ा कार्यक्रम देना चाहिए बने मन बुला कर तो मैं आता रहो ताकि भोजन एक बार मौका बने बाकी देखो तमाम चीज़ें है शिक्षा है शिक्षा तो बहुत जरूरी है केवारी कोई सुनिए हमें तो कोई भाषण दे मतलब शिक्षा आप ग्रहण करो इतना समय से जो हमें तो सब शिक्षा ग्रहण करवा लगा है तो बगैर भाषण तो हम तैयार भी नहीं करें कि शिक्षा ग्रहण करो पर एक निवेदन और है धार्मिक कार्यक्रम है आप सब अटे बैठा हो मंच पर सब बुद्धिजीवी लोग हैं नेता लोग भी है हमारा व्यवस्था में आता था तो कोई बात कर देता और बे दिन मोटरसाइकिल वाला जो है मोन देखो तो वह लड़ता था मोटरसाइकिल मन खुद ने भी लगती थी गाड़ी आ गाड़ी यू जाए तो वो फटा दी अटे आवे ने पासो फटे जाए पासो अटे आवे मेरी मोटरसाइकिल आ गई कि हाँ वाले मेरी वास्तविक सही बात है पर वनेरो कारण वो है जो लेटेस्ट नशों आ रही है और अपना क्षेत्र नौ पड़ोस नौ क्षेत्र नौ क्षेत्र सब जनक हुआ है बने ना सारा इसमें एम यू में मेहरबानी करें आप सबने आता जोड़ी है काटा पड़ोसी सुधरे के नहीं सुधरे पर अतरी व्यवस्था रह जाए कि घर में और रोग नहीं लागे तो अपने आप अपने सबरी व्यवस्था और समाज की व्यवस्था ठीक मिल जाए तो भविष्य ठीक रही बाकी भरे लागे थे अगर बढ़तू डी जो नौजवान लोग हैं ज़्यादा चपेट में आवता गया शौक हो तो आगे समय ठीक भी नहीं है और बर्बादी है पूरी बने बात ना मिले एसपी साहब दूसरी बात चिट्ठी लिखी
पचासों लोगों ने हमारे बड़े फोन आया, पचासों लोगों ने अलग अलग फोन, हर जाति का बुजुर्ग व्यक्ति महिला सब लोग, जब आप चिट्ठी लिखी है ठीक है, हमें आप पकड़ाओ बंद ग्राउंड में न्याल गया। और मोहन कार्यक्रम यू कहूँ कि धार्मिक कार्यक्रम तो अपने करे दिया हो, कोई नुकसान नहीं, छोटा मोटी बातों थी उनमें नुकसान नहीं थी, पर अन्य तो खाई नहीं पड़ी गई, कौन का बर्बाद हो गया, नशा पूरा करवा रू घर रहे अंदर थी, खुद ने घर में चोरियां करें जा रही है, माँ बहन बेटी का गहना दिन जाए तो पैसे बाकी का रहे। और नहीं बोलो जवाब आने तो बहुत दूर रह जो पड़ोस वालों के और कोई मजा ले बने रहे बनती नहीं बनती वे और वो मजा ले जाओगे ना आने ठीक है तो बने बने मजा ले वाली ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वह आज बनो घर में ही आवे रोका ही नहीं आ बात को आपने के लिए आ जाता है और अपने धार्मिक जिले में जरूर बहुत और व्यापार कोई करे वंती मोटो पापी नहीं है बोले कोई आदमी है और मर्जी है वो व्यापार करो पेट पालवारी खूब हरी रास्ता है उमदा सीधा सब पेट पल गया पर अन्य व्यापार में थे हजारों लाखों लोग पूरा खराब करा दिया परिवार रहा और बने रहो चपेट और पाप रो भागीदार वे भी बनी है जिलों बर्बाद हुए परिवार बर्बाद हुए चोरियां बढ़ी क्राइम बढ़ी और समझदार और अच्छा खासा आदमी बोले हालू मुस्कू दे बोले मोह का होगा कोई भी वे बने थोड़ी ध्यान ने गए साहब दे दिया है फलाना साहब ने बने तो जो कम काट दो वो काटी हो जाए क्योंकि बने दिन दिन आप सब ने वही निवेदन है बड़े सब लोग बैठा है छत्तीस कोमरा भी लोग है सामाजिक लोग भी है और जो जो बैठा है जनता के समाज का मेहरबानी करें आप लोग जो है कड़क रहो आवा मत रहो तो पीढ़ी ठीक रही समाज भी ठीक रही घर परिवार ठीक रही नहीं तो मेरो गुवार को काम करना है वो करे रिया बोलवार और प्रशासनिक व्यवस्था कड़क रहे के मेरी बाकी तो इतिहास में कड़का भी वो बात है पर आप लोगों ने वही हमारा निवेदन है सब लोग मिला हुआ आते हैं अच्छा कार्यक्रम आप लोग हमेशा आपके आरोप तैयार हो सेवा में आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार संक्षेप से मैं खूब मोटी बात की थी सर जो आग नशा रही है पड़ोस में आले रही है तो अपने खेतर भी वाड़ रहे लाग तो भी कोई टाइम नहीं लगेगा अण वास्ते जितना भी हो सके युवा बंधु है हमारा सबों ने नशा पता दूर रहना है और साथ में मेहमान सड़िया सरपंच श्री सूरज जी से आपसे कोई निवेदन करूँ दो शब्द आपकी अण सभा ने संबोधित कर बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी मेहमान गण बता रहे सब और खूब खूब पूरा घोड़गढ़ परिवार तरफ से खूब खूब आभार साजर हॉस्पिटल अर्जुन जी देसाई आपरो भी खूब खूब सबार आभार अभिनंदन हरिओम बा दो सब केवड़ा राम जी पुरोहित आप रवि हो जाओ अण सभा ने माता जी रा प्रागण में थोड़ा भाई बहनों ने और लोकप्रिय नेता बाहर पधारिया अटल जी आयोजन एक मन भरो मेरो आवेणो जरूरी है और हर आयोजन आयोजन करिया भी देखिया भी आ एक आयोजन जो देखवान मिलो ये लोगों ने अपने समय ही गौरव मिलो
मोटी वादा है कि आप भी मैं भी सब अठारह जाऊँ देवासी समाज में हमार एक माता जी जिनको के भाई माता जी देव है देव तो हमेशा हंसा हुए गलत बातों आप है वो देव गलत ना भोगापन देखो तो देखवान मिलो है हम बड़े हम देख रहे हैं आज का टाइम रे मोए हमारा टाइम में उतरा में देखता हूँ आज माता जी भगवानों में सत्ता जी हूँ जो पेटी दर पेटी थी हल तो आयो या थी लोग हम पड़े हों देखियो लाभवंत खूब हुआ मैंने वही भी रहा और बड़ी अच्छी बात है समाज के लिए भी जोरतन जी जी बात वो समाज रे मोए अच्छा नेता भी ने समाज से भी और अन्य भी बीजेपी भी समाज रे हद रहे अच्छा संबंध यहाँ जोड़िया और आज भी यहाँ ने कोई सुनो देखियो मैं भी हो गया हूँ राजनीति बीजा और अजी तक यारी गरिमा है वो गरिमा ने ये अजीत नहीं ले तो नेताजी है आठिन भोपाल जी है ये देवासी समाज रे मोए वो इन लोगों की सेवा करे और साथी यहाँ लाभान्वित हुए और अपने जो लाभ मिले बड़ी खुशी की बात है मैं तो माता जी और भगवान प्रार्थना करो और प्रार्थना करनी चाहिए कई उन्होंने बल दी दो बड़ी शक्ति दे और यह शक्ति रे हाथ है जीवा भोपाल जी बाय छत्तीस को में आवे अने वो ऋषि वागर मबल की कोई एक रवानी समाज ऋषि वागर छत्तीस कोम यो थी लबावन जो है यो नेताजी थी छत्तीस कोम लबावन जो है यह जो बेड़ा उठाया है छत्तीस कोम रा लाभ देवार उठाया है माता जी भगवान यो ने शक्ति दे और यारो बेड़ो पार करे अंतर जब धनो बदे अने यो पक्षों ने बार बार वे यह थी लोगों रा आशा और आशंकाओं बदे भगवान यहाँ ने बुद्धि दे सदबुद्धि दे और शक्ति दे यह हमें राम राम खूब खूब आभार सांचोरा वरिष्ठ केवड़ा राम पुरोहित संक्षेप रमाय खूब बड़ी बात करी बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यकर्ताओं ने लगभग तीन चार महीनों की मेहनत के बाद आज सब मेहमान गण पधारे कार्यक्रम माता जी रो रमेश संध्यारो वो भोपे जी जो पेड़ उठाए थे वो सब माता जी की कृपा थी आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग थे वो सफल हो सबर हो खूब खूब आभार और एक बार मेहमान वास्ते जोरदार तालियों वजह तालियों रहा है स्वागत हो जावे अभिनंदन हो जावे बोल सती माते की जय हो नमस्कार जो हम कब से इंतजार कर रहे थे वो अब हमारे सर जी देवासी साहब आपके बीच में पधारे और उनकी अमृतवाणी से जो आपने सुना उसका मैं कुछ ग्रहण भी करना है क्योंकि नशे की बात हर जगह होती है और ये नशा दिन रात बढ़ रहा है तो हमें उसके ऊपर लगाम रखनी है जो सर जी ने बात बताई उनका हमें ख्याल करना है क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है मनुष्य कहां से कहां तक ले जाती है और आजकल वैसे और फैशन फैशन भी बहुत बढ़ गई है फैशन पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा
क्योंकि हमारी बहन बेटियां जो आजकल पोशाक पहनती हैं, जो बाजार में घूमती है, तो ये शर्मनाक बात है। लेकिन हम अपने अपने बहन बेटियों का ख्याल रखें कि उनको कैसा पोशाक पहनना चाहिए, क्योंकि अच्छी टीम देखते हैं तो देखा लगती है। तो जो सर ने बात की उनका भी अमल करना है। और आज हमारे इस 20 साल समय में सभी सच्चे के साथ जो भक्तगण नेता है वो बता रहे, उनका सभी को हमारी बड़ी विरोध सतीमा मंडल युग तरफ से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और किसी को भी पर्चा विभागी हो पर्चा दे देना। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा।